बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सातकैन एजुकेशन सर्विसेज अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। क्लास टू, टुडे आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर फोर यूजफुल एनिमल्स। टुडे आई विल गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर साइंस बुक। All open book page number 24. I am going to read the first paragraph, then I will explain you. Okay, first of all, I am going to read the paragraph. Now, all of you look at your book. Animals are useful to us in many ways. Some of them give us things which can be eaten. Some others give things which can be worn. Many of them make our work easy. Okay, I am going to explain you this paragraph now. Animals beta useful hote hain, but matlab different ways mein, matlab koi bhi animal jo hai wo ek hi tarike se to hamare liye useful nahi hai na beta, वो तो अलग अलग तरीक़ों से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं एनिमल्स, है ना, बहुत सारी वेज में। जैसे डॉग की एग्जांपल लेती हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे डॉग क्या करता है, गार्ड करता है। मतलब अगर आप डॉग अपने घर में रखते हैं, आप एज अ पैड उसको रखते हैं अपने घर में, तो आपने डॉग रखा हुआ, डॉग क्या करेगा, आपकी हिफाजत करता है, मतलब आपकी घर की हिफाजत करता है। कोई अनजान आता है, कोई स्ट्रेंजर आता है, तो वो उसको रोक लेता है, वो उसको पहचान लेता है, फ़ौरन से बात करना शुरू कर देता है ना। तो डॉग जो है वैसे हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह वो हमारे हमारे घर को गार्ड करता है, यानी कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी जो है चोर, अगर कोई चोर आ जाए, कोई थीफ आ जाए, तो वो हमारे घर में ना आ सके, है ना। तो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और हमें अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको जो हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हम खा सकते हैं, है ना बेटा। आपको पता है ना, हम मीट खाते हैं। मीट किस किस एनिमल का खा सकते हैं, हम काऊ का खाते हैं, बफेलो का खाते हैं, हम जो है गोट का मीट खाते हैं जिसे हम मटन कहते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम फिश खाते हैं। तो ये एनिमल्स हमें क्या देते हैं, गोश्त देते हैं अपना। इसके अलावा जो है चिकन के थ्रू हमें एग मिलता है, अंडा मिलता है, वो भी हम खाते हैं, कितना फ़ायदेमंद होता है ना। तो कुछ तो एनिमल्स हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि हम खा सकते हैं। सम अदर्स एनिमल्स गिव थिंग्स विच कैन बी वॉन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनसे कपड़ा बनता है, जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, जो पहने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे शीप है, शीप की जो खाल होती है उससे जो है बेटा आपको पता है क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती है। वॉन का मतलब होता है बेटा वेयर की थर्ड फॉर्म होती है, वॉन मतलब पहने जा सकें, पहनना, ठीक है। वेयर और वोर और फिर वॉन, थर्ड फॉर्म है ये वेयर की, यानी कि इसकी मीनिंग है पहन सकें, उन चीज़ों का हम पहन सकें। उन मतलब जाहिर सी बात है, हम डायरेक्टली फ़ौरन से स्किन तो नहीं पहन लेंगे ना किसी भी एनिमल्स की, वो बनाई जाएंगी, एक प्रोसेस से गुजरेंगी, फिर वो क्लॉथ की शक्ल में आ जाएंगी, फिर जो है हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ क्लॉथ। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे काम को ईजी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ईजी बना देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं किसकी, आप ले लें एग्ज़ाम्पल डंकी की। डंकी सबसे ज़्यादा पुअर एनिमल है, आपको पता है ना कैसे इजी बनाता है वो हमारे काम को। भाई वो हमारा इतना सारा लोड उठा के जो है अपने एक कार्ड होती है जो जिसे हम गधा गाड़ी कहते हैं, उस सारा लोड जो है उस बेचारे उसके ऊपर डला हुआ होता है, और जो है वो इतना सारा लोड लेके जा रहे होते हैं, तो वो हमारे काम को एक तरह से ईजी बना रहा है ना, कि हमारा जो लोड है वो उठा रहा है, लोड को कैरी कर रहा है, तो इस तरह वो हमारे काम को आसान कर रहा है। ओके, लेट्स बिगिन आवर सेकंड पैराग्राफ। डोमेस्टिक एनिमल्स, वी कैन कीप सम एनिमल्स एट होम, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। सम एनिमल्स आर कैप्ट आउटसाइड द एट द फार्म, दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स।
पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। कुछ एनिमल्स को बेटा हम लोग शौक से अपने घरों में रखते हैं, हम पालते हैं बेटा एनिमल्स को, क्योंकि कुछ लोगों को शौक़ होता है एनिमल्स पालने का। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स, जो कि हम अपने घरों में अपने शौक से लेकर आते हैं। अब वो कोई भी एनिमल्स हो सकता है। हाँ, अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेट एनिमल ही हो। हम कोई जो है वाइल्ड एनिमल अपने घर में नहीं रख सकते। किसी को शौक है कि वो अपने घर में जो है बेटा शेर रखे, तो वो शेर नहीं रख सकता। शेर क्या करेगा, हम सबको ही खा जाएगा, ठीक है? तो हम ऐसे एनिमल रखते हैं जो हमें नहीं खा सकते, हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ऐसे पेट एनिमल्स को घर में रखा जाता है, ठीक है? तो उन्हें हम कहते हैं पेट एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घर में नहीं रखते, लेकिन अपने फार्म में रखते हैं, ठीक है? फार्म में रखते हैं, और उन एनिमल्स को हम कहते हैं फार्म एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? फार्म एनिमल्स। अच्छा बेटा, फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स, जो दोनों एनिमल्स होते हैं, मतलब ये नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है? ओके क्लास टू स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रीड आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। पेट एनिमल्स, वी कीप डॉग्स, कैट्स एंड फिश एज पेट एनिमल्स। वी केयर फॉर आवर पेट्स एज फ्रेंड्स। दे गिव अस प्लेजर। Dogs guard our house. Dogs are very loyal and intelligent. Cats keep mice away. Pets are our friends. Okay, pet animals. Pet, what is the meaning of pet? बेटा पेट के मीनिंग होते हैं पालतू, और पेट एनिमल्स के मीनिंग क्या है? पालतू जानवर। वो जानवर जिन्हें हम पालते हैं, अपनी मर्जी से हम लेकर आते हैं अपने घर में, अपने साथ रखते हैं, ठीक है? उन एनिमल्स को हम कहते हैं पेट एनिमल्स। अच्छा, हम रखते हैं बेटा, वी कीप, कौन कौन से पालतू जानवर रखते हैं? डॉग्स को, कुछ लोगों को डॉग्स, छोटे छोटे डॉग्स होते हैं उनको रखते हैं, और जो है कैट्स होती हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कैट्स रखते हैं लोग अपने घरों में। फ़िश रखते हैं, ठीक है? रैबिट्स भी रखते हैं, आपको पता है रैबिट्स भी रखते हैं लोग। इसके अलावा डक्स भी रखते हैं, जो ज़ाहिर है आपके साथ नहीं रहती, लेकिन डक्स को लोग पालते हैं, ठीक है? चिक आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को जो है चिक्स पालने का शौक़ होता है। चिक क्या होते हैं? जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, चूज़े जिसे आप कहते हैं, वो लोग चूज़े भी पालते हैं, ठीक है? ये सब क्या हैं? पेट एनिमल्स हैं, ठीक है? अच्छा, हम जो है पेट एनिमल्स जब लेकर आते हैं, तो ज़ाहिर है हम उनका ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि वो जानदार है, उन्हें खाने की भी ज़रूरत है, उन्हें हवा की भी ज़रूरत है, उन्हें पानी की भी ज़रूरत है। तो हम उनका ख्याल रखते हैं, ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। जैसे आपके घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनको कोई भी खाना देते हैं, आप उनको पानी पूछते हैं, आप उनको जो है अच्छी जगह पे, साफ़ जगह पे बिठाते हैं। इसी तरह आप जो है अपने पेट्स का भी ख्याल रखते हैं कि उनके रहने की जगह साफ़ है, ठीक है? उनको खाने को मिल रहा है, उनको टाइमली जो है खाने को जगह मिल रहा है, वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे हवा है या नहीं, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं वो भी, और उनको भी हवा, पानी और खाने की तो ज़रूरत है ना। अच्छा, हम इसलिए पेट्स का, अपने पेट्स का ख्याल रखते हैं अपने दोस्तों की तरह। इससे हमें खुशी मिलती है। प्लेजर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेजर? प्लेजर मीनिंग खुशी। जो आपको कोई काम करके खुशी मिलती है, जाहिर सी बात है, ये काम तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि आपको जो है पेट रख के खुशी मिल रही है ना? किसी ने आपको बोला तो नहीं है ना कि आप पेट रखें, लेकिन आप पेट इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे आपको प्लेजर, खुशी मिलती है। डॉग जो है, डॉग क्या करते हैं? गार्ड करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि हमारे घर की हिफाजत करते हैं डॉग्स। आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। इंटेलिजेंट किस सेंस में है बेटा? अगर किसी स्ट्रेंजर को देखता है ना, ऐसे इंसान को देखता है जो घर का अफराद नहीं होता, मतलब कोई थर्ड पर्सन है, मतलब कोई और इंसान आया, तो वो बात करना शुरू कर देता है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना भोंकना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कोई ना कोई, मतलब जो है कोई और बंदा आया जिसको देख के ये बोलना शुरू हो गया बहुत ज़ोर ज़ोर से।
तो अगर कोई मेहमान होते हैं तो वो उसको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई थीफ आ गया है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में चोर भी तो घुस जाते हैं ना, तो जो है कितने फ़ौरन डर के भाग जाते हैं कि इसने डॉग ने तो बोलना शुरू कर दिया है ना। तो कितना लॉयल है डॉग। लॉयल का मतलब होता है बेटा वफ़ादार। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफ़ादार। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है अक्लमंद। इंटेलिजेंट की मीनिंग होता है अक्लमंद, यानी कि डॉग में इतनी अकल होती है कि वो ऐसे पर्सन मतलब ऐसे लोगों को देख के अपने जहन में जो है बिठा लेता है, जिनके फेस वो डेली देखता है तो फिर उन पे वो बार्क नहीं करता, ठीक है। लेकिन जिन कोई अगर नई शक्ल देखता है, कोई और इंसान को देखता है, तो फिर वो बोलना शुरू कर देता है, ताकि कोई अगर है, अगर कोई मतलब जो भी नया अगर कोई आया है नुकसान पहुँचाना चाहता है तो वो नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है। तो डॉग जो है हम इस तरह हिफाजत करता है हमारी घर की, ठीक है। और कैट कीप माइस अवे। कैट जो होती है बेटा आपको पता है, माइस किसे कहते हैं? माउस। माउस यानी कि एक चूहा, माइस यानी कि बहुत सारे चूहे। लोगों के घरों में चूहे घुस जाते हैं ना, कुछ घरों में जो है बेटा चूहे घुस जाते हैं। तो जिस घर में बेटा बिल्ली होती है, कैट होती है, तो चूहे जो है, क्योंकि बिल्ली जो है चूहों को खा जाती है, तो क्या जिस घर में बिल्ली होती है वहाँ पे चूहे नहीं जाते, तो इस वजह से माइस जो है दूर रहते हैं, या फिर कैट जो है दूर रखती है कि इनको चूहों को दूर रखती है उस घर से जहाँ पे वो होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह पैट एनिमल इस तरह हेल्पफुल है। ये मैंने आपको बताया था हम यूज़फुल एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखें यहाँ पे इनके यूजेस भी हमें पता चल रहे हैं कि कैट का यूज़ क्या है, कैट से हमें क्या मिल रहा है, मतलब फ़ायदा क्या मिल रहा है। हम कैट का ख्याल रखते हैं, हम कैट को मिल्क देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब उसको अपने घर में रख रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या दे रही है? फिर वो किसी माइस को हमारे घर में नहीं आने देती है ना, किसी चूहे को नहीं आने देती। इसी तरह डॉग जो है हमारे घर को गार्ड कर रहा है, मतलब हमारे घर की हिफाजत कर रहा है, सही है। तो ये देखें इस तरह ये एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू बुक पेज नंबर 25। कम टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, फार्म एनिमल्स। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, गोट्स, शीप एंड हैंस आर सम ऑफ द फार्म एनिमल्स। काउस, बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, वी मेक बटर, चीज, घी, कर्ड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। अच्छा, व्हाट इज फार्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्म? फार्म मीनिंग जो जानवर खेतों पर रहते हैं, फार्म के मीनिंग होते हैं खेत के। वो एनिमल्स जो खेतों पर पाए जाते हैं, खेतों पर नज़र आते हैं, उन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स जैसे कि गाय, काऊ कहते हैं गाय को, बफेलो बेटा यानी कि भैंस, गोट्स, गोड यानी के जो बकरे और बकरियां होते हैं, शीप, शीप यानी के दुम्बे, और हैंस आपको पता है बेटा मुर्गी जो होती है, ये सब क्या है? फार्म एनिमल्स है। ये कहाँ पे होते हैं? फार्म पे होते हैं। ये फार्म पे यूज़ होते हैं, मतलब जो है किसान जो है इन एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं इन एनिमल्स को, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे यूज़फुल हैं हमारे लिए? काऊ, बफेलो और जो बेटा गोट हैं, वो तो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। क्या देते हैं? मिल्क। हमें इनसे मिलता है मिल्क, जिससे हम क्या क्या बनाते हैं? मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं, चीज़, घी। घी जो है बेटा, घी जो जिससे खानों में बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो दूध से बनता है। चीज़ कहते हैं पनीर को। आपको पिज़्ज़ा पसंद होगा ना, तो पिज़्ज़ा में चीज़ डालती हैं अम्मी, और बहुत सारे जो है चीज़ी आइटम जो अम्मी बनाती हैं तो उसमें चीज़ डालती हैं, तो वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। और घी जो होता है, जो खानों में यूज़ होता है, जिसमें खाने बनते हैं, तो वो भी बेटा मिल्क से मिलता है, और मिल्क से घी बनता है। कर्ड कहते हैं दही को। कर्ड भी बेटा जो है
किससे बनता है, मिल्क से बनता है। इसके अलावा स्वीट्स बहुत सारी जो है मीठी चीज़ें है, चॉकलेट्स वगैरह में भी मिल्क डाला होता है। इसके अलावा आइसक्रीम में और बहुत सारी चीज़ों में क्या डाला हुआ होता है बेटा, मिल्क होता है। तो ये जो है फार्म एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स हमें ऐसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी बेटा जो ये एनिमल्स होते हैं, जैसे काव है, गोट है, शीप है, आपको पता है बेटा इन एनिमल्स को फार्म पे भी रखते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जब ये फार्म पे रहने के बेटा काबिल नहीं होते तो फिर किसान क्या करते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अपना काम कर चुक करके थक जाते हैं, मतलब इनकी एज हो जाती है, तो फिर वो इनको ज़िबा करते हैं और उनका गोश्त खा जाते हैं। आपको पता है ना, हम काऊ का, गोट का, शीप का, इनका गोश्त खा सकते हैं, हैन और बफेलो, इन सब का हम गोश्त खा सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हलाल बनाया है हम लोग के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी फ़ायदे हैं, मतलब ये हमें मीट भी देते हैं, मीट भी यानी कि गोश्त भी देते हैं और मिल्क भी देते हैं, है ना। ये सारे क्या हैं, फार्म एनिमल्स हैं, ये सारे क्या हैं, फार्म एनिमल्स। अच्छा, हैन, हैन का एक और फ़ायदा है, हैन अंडे भी देती है ना, अंडे भी, और जो कि अंडे भी हम नाश्ते में लें और अंडे में बहुत गज़ाइत होती है, आपको पता है ना। तो देखिए ये है फ़ायदे, किसके फ़ायदे, हैन के फ़ायदे, यानी कि एनिमल्स से हमें ये फ़ायदे मिल रहे हैं। ओके, डू यू नो इन द हिमालयन माउंटेन एरियाज मैनी पीपल कीप द याक फॉर इट्स मिल्क। बेटा क्या आपको पता है के हिमालयन माउंटेन एरियाज में जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन एरियाज में लोग जो है याक रखते हैं। क्या रखते हैं, याक। मैं भी आपको पिक्चर शो करती हूँ कि याक कैसा होता है, उसको क्यों रखते हैं। ओके बेटा, लुक एट दिस पिक्चर, ये है याक, और जो उसके पीछे जो तीन आ रहे हैं बेटा वो भी याक हैं। ये पिक्चर है और ये बिल्कुल रियल का जो है याक है, और रियल के माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो जो है बेटा माउंटेन्स, माउंटेनियस एरियाज में ये याक जो है मिलता है, रहता है। जहाँ स्नो अगर होती है, अगर माउंटेन्स पे स्नो होती है, तब भी ये इन रीजन्स में ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ के लोग इसको क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि इसका मिल्क हासिल कर सकें, मिल्क पी सकें, क्योंकि याक का मिल्क भी बेटा पिया जाता है। तो लोग जो है मतलब याक पालते हैं, तो याक इस तरह फ़ायदा देता है। ओके क्लास टू स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू लर्न ऑल related question answers from these topics of this chapter useful animals from your science copy. You have to learn all these question answers. बेटा आपको पता है आपके final exams इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाले हैं, आपको तैयारी करनी है, आप बहुत अच्छी तरह जो है बेटा प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन आंसर्स याद करें, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay, that's all for today. Till then, take very good care of yourself. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.